हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये न्यू डिज़ाइन तोरण पट्टी के पैटर्न को कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। ये एक बहुत ही इजी पैटर्न है और बिगनर्स भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तोरण पट्टी के लिए यहाँ पर मैंने 2 प्लाई की वुल ली है। हम अपनी चॉइस के कोई भी 2 कलर्स ले सकते हैं। क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है। तो सबसे पहले हम येलो धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 16 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4 मैंने 16 चेन बना ली हैं। हमारा पैटर्न फर्स्ट रो में 14 डबल क्रोशे का है। अब हम हुक से 4थी चेन में दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये पहली 3 चेन मिलकर पहला डबल क्रोशे बन जाएगा। तो यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशे बन गया। इस फर्स्ट रो में हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे टोटल 14 डबल क्रोशे बन जाएंगे। मैंने 14 डबल क्रोशे बना लिए हैं। सेकेंड रो के लिए हम टर्न करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर हम नीचे ये जो 2 डबल क्रोशे के बीच की स्पेस है, इसमें हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकेंड रो में हमें इस पहली स्पेस में टोटल 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम अगली 3 डबल क्रोशे को स्किप करेंगे और इसके बाद की स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम फिर से 3 डबल क्रोशे के बाद की स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तोरण पट्टी का यही पैटर्न है। हमें हर लाइन में इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशे के क्लस्टर बनाने हैं। अब फिर से अगले 3 डबल क्रोशे के बाद की स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे। अब यहाँ सबसे लास्ट में हमारे पास टोटल ये 4 डबल क्रोशे बच गए हैं। अब हम ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इसके बाद की स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब इसके बाद हम टर्न करेंगे थर्ड रो के लिए। अब सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब इसके बाद ये जो 2 क्लस्टर्स के बीच की स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। अब फिर से ये जो अगली स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 2 और ये 3। अब फिर से ये जो अगली स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। अब फिर से अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशे। इस तोरण पट्टी का बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो लास्ट का डबल क्रोशे है, इसके ऊपर के स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी थर्ड रो कम्प्लीट हो गई है। हम सेकेंड और थर्ड रो को ही इस तोरण पट्टी के पैटर्न में रिपीट करते हैं। अब फोर्थ रो के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब ये जो इसके पहले की रो की स्पेस है, इसमें हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद अगली स्पेस में फिर से हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये इस तरह से। अब फिर से अगली स्पेस में 3 डबल क्रोशे। ये इस तरह से। अब इसके बाद ये जो सबसे लास्ट की स्पेस है, इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी फोर्थ रो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं सैंपल के लिए टोटल 13 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने 13 रोज की सैंपल तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमें जितनी भी बड़ी तोरण पट्टी बनानी है, हम सेकेंड और थर्ड रो को रिपीट करते हुए उतनी बड़ी तोरण पट्टी बना सकते हैं। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो सबसे लास्ट लाइन है तोरण पट्टी की, इसमें हमें दोनों तरफ एक एक डबल क्रोशे आने चाहिए। हमें थर्ड रो से ही लास्ट लाइन को कंप्लीट करना है। हम इस तोरण पट्टी को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर यदि हमें तोरण पट्टी की बॉर्डर बनानी है तो हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट कलर को ले सकते हैं। अब हम इस येलो धागे को एक चेन बनाते हुए बंद कर लेंगे। तोरण पट्टी बॉर्डर के लिए यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रास्ट में ब्लू धागे को लिया है। हम अपनी चॉइस का कोई भी कलर ले सकते हैं।
अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा सैंपल है इसमें ये जो कॉर्नर की स्पेस है इसमें ब्लू धागे को हम जोड़ लेंगे ये इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे, तो ये एक दो और ये तीन, ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। इस तोरण पट्टी के चार कॉर्नर्स हैं, ये एक दो तीन और ये चार। इस बॉर्डर पैटर्न में हम हमेशा कॉर्नर में छह डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो यहाँ पर ये दूसरा डबल क्रोशे, ये तीसरा डबल क्रोशे, ये चौथा डबल क्रोशे, ये पांचवा और ये छठवा डबल क्रोशे। तो यहाँ पर टोटल हमने छह डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये जो अगली स्पेस है इसमें हम टोटल चार डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। कॉर्नर्स में हम छः छः डबल क्रोशे बनाएंगे और बीच की स्पेसेस में हम चार चार डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हम धागे के हिसाब से डबल क्रोशे बना सकते हैं। ये एक दो तीन और ये चार डबल क्रोशे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे तोरण पट्टी में रिपीट करना है। अब यहाँ पर मैंने ये एक साइड की तोरण बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो दूसरा कॉर्नर है इसमें टोटल छह डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्पेसेस हैं इनमें हम चार चार डबल क्रोशे बनाएंगे, कॉर्नर में फिर से छह डबल क्रोशे बनाएंगे। मैंने तोरण पट्टी के इस सैंपल को कंप्लीट कर लिया है। हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें जितनी भी बड़ी तोरण पट्टी बनानी है उतनी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी पैटर्न से ये एक तोरण पट्टी बनाई है। इसकी लेंथ 34 इंचेस है। हमारी तोरण पट्टी बहुत अच्छी बनी है।